उत्तराखंड में गर्मियों के सीजन में पेयजल की किल्लत एक बड़ी समस्या बनी रहती है। इसके साथ साथ फॉरेस्ट फायर की घटनाओं से भी लोग परेशान रहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन दोनों मामलों को अपनी प्राथमिकता में गिनाया है। सीएम धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में पेयजल की किल्लत ना हो, इसको लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट फायर की घटनाओं को रोकने के लिए पेयजल की किल्लत को दूर करने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने जा रही हैं। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि वह विभिन्न क्षेत्रों में जाकर समस्याओं का आंकलन कर उनका समाधान निकालें। पेयजल हमारी प्राथमिकता में है और वनाग्नि है, पेयजल है, इस समय में चूंकि जो हमारे लिए चुनौती है, इसीलिए उसको लेकर आज समीक्षा करने वाले हैं और सभी अधिकारीगण हमारे फील्ड में जाएंगे और भौतिक सत्यापन करेंगे। लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, चारधाम यात्रा भी प्रारंभ हो रही है तो पेयजल विभाग का उसमें भी महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए बैठक होगी।